अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। और आप में से कुछ लोगों का कमेंट ये आया था कि शाहरुख भाई मुझे बता दो कि आखिर ये रॉ फोटोग्राफी क्या होती है, क्योंकि गाइज अभी आने वाले जो भी स्मार्टफोन से नए नए उनमें रॉ का फीचर दिया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी किया जा रहा है कि हमारे फ़ोन में रॉ फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे एक फ़ोन है जो कि है शाओमी पोको एक्स टू। वैसे ये शाओमी से अलग हो चुका है। तो पोको एक्स टू में कैमरा में गाइज आपको फीचर मिल जाता है रॉ फोटोज़ लेने का, लेकिन साथ ही साथ रेडमी का जो सीरीज़ आया गाइज, रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, उसमें भी आप रॉ फोटोज़ जो है कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि कुछ और फ़ोन्स हैं जो कि महंगे फ़ोन हैं जिसमें आपको रॉ फोटोग्राफी मिलती है, लेकिन आखिर इस रॉ फोटोग्राफी से फायदा क्या है? आखिर ऐसा क्या है जो हमारा नॉर्मल कैमरास वो कैप्चर नहीं कर पाता जो रॉ फोटोग्राफी में हमें ऑप्शन मिलता है? तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो गाइस रॉ RAW ये हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सिस्टम, लेकिन हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं गाइज, हम लोग बात कर रहे हैं RAW रॉ यानी कि फोटोग्राफी में क्या होता है। तो गाइज रॉ का मतलब होता है कच्चा, अगर आप नॉर्मल इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करें, और कच्चा मतलब गाइज जो पका हुआ नहीं हो। तो जब भी आप कोई फोटोज कैप्चर करते हैं अपने नॉर्मल कैमराज से, तो उसमें जो आपको JPEG यानी कि JPEG फाइल मिलती है वह एक पका हुआ फाइल होती है। यानी कि कैमरा जो है जो देखता है आपके इन्वायरमेंट को, आपने कैमरा खोला और ये जो कैमरा देख रहा है बिल्कुल कच्ची चीज को देख रहा है और बिल्कुल उसे कैप्चर करने वाला है। लेकिन गाइस जैसे ही आप कैप्चर बटन दबाते हैं, लाइट अंदर आती है, कलर्स अंदर आते हैं, शार्पनेस डिटेल्स अंदर आते हैं, लेकिन उसके बाद इमेज जो प्रोसेसर है वो उस इमेज को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने के बाद एक ऑप्टिमल फोटो बनाता है, फाइन ट्यूनिंग करता है, फाइन ट्यूनिंग करने के बाद गाइस अपने हिसाब से कलर ग्रेडिंग करता है और फिर आपको आउटपुट दे देता है आपके स्क्रीन पर और आप कहते हो भैया बहुत अच्छा फोटो है। तो जो JPEG फाइल्स होते हैं गाइस वो आपको 5 MB 6 MB का होता है, जिसमें थोड़े बहुत डिटेल्स होते हैं, थोड़े बहुत अच्छी फोटोज आपको देखने में लगती है जो कि कलाकारी करके आप जबरदस्त फोटोज ले सकते हैं। बट जो रॉ फोटोज होते हैं गाइस वो 20 MB 32 MB 40 MB 50 MB के भी हो सकते हैं, बिकॉज उनमें डिटेल्स बहुत ही ज्यादा होती है। क्योंकि गाइस जो रॉ फोटोज आप कैप्चर करते हैं, जब भी आप रॉ में फोटो कैप्चर करेंगे तो कैमरा जैसा देख रहा है बिना किसी पोस्ट प्रोसेसिंग के आपके सामने ला करके रख देगा। यानी कि जो हमारा ये JPEG फोटो है वो आपको सरकार की तरफ से बना बनाया खिचड़ी मिल रहा है, लेकिन जो गाइस यहाँ पे आपको रॉ फोटो है वो आपको दाल चावल दे दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम खुद से खिचड़ी बना लो। तो इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूँ गाइस कि किस तरह से ये काम करता है, और दो फोन के बीच में मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास दो स्मार्टफोन है गाइस, एक है रेडमी नोट 7 प्रो और दूसरा है गाइस यहाँ पे पोको एक्स टू। पोको एक्स टू से मैंने फोटो खींची, और पोको एक्स टू से फोटो खींचने का सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप रॉ में फोटो कैप्चर करते हैं तो दो फोटो बनती है, एक रॉ फोटो और एक उसी का गाइस JPEG फोटो भी बन जाता है। दोनों दिखने में सिमिलर है लेकिन साइजेस में काफी ज्यादा डिफरेंस होती है, एक होता है 6 MB का, दूसरा होता है 30 MB का, इतना बड़ा डिफरेंस होता है। तो आखिर उस 30 MB में कितने ज्यादा डिटेल्स है गाइस वो आपको एडिटिंग के थ्रू पता चल जाएगा। तो मैंने गाइस JPEG फोटो को खोल दिया नोट 7 प्रो के स्नैपसीड में और रॉ फोटो को खोल दिया गाइस पोको एक्स टू के स्नैपसीड में, और जैसे ही मैंने रॉ इमेज लाया तो सबसे पहले रॉ एडिटिंग टूल्स आ गए गाइस पोको एक्स टू में, लेकिन इसमें आपको नॉर्मल एडिटिंग टूल्स मिले, क्योंकि गाइस ये रॉ इमेज है इसलिए आपको रॉ एडिटिंग टूल्स मिल रहे हैं, और क्योंकि ये JPEG इमेज है इसलिए इसमें आपको जो है रॉ एडिटिंग टूल्स नहीं मिल रहे हैं। रॉ एडिटिंग टूल्स से क्या फायदा है? तो जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इस पिक्चर में आप उसे जो है अच्छा कर सकते हो, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को आप शो कर सकते हो। तो थोड़ा सा और मैं जूम इन कर लेता हूँ यहाँ पे गाइस। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं नीचे में ट्यून का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें क्या है गाइस डायरेक्टली जैसा आपको नॉर्मल ऑप्शन मिलता है टूल्स में जाएंगे ट्यून का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सब JPEG का ऑप्शनल फीचर्स है, लेकिन ये गाइस रॉ का स्पेशल फीचर है। तो मान लीजिए मैं इस सेटिंग में जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है, तो मैं आफ्टर यानी कि फोटो खींचने के बाद भी एक्सपोजर को बढ़ा सकता हूँ। तो मैं इसे स्लाइड करूँगा और आप देखेंगे कि मेरा जो एक्सपोजर है बढ़ के कितना ज़्यादा जो है आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक्सपोजर का ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल जाता है। तो जो फोटो पहले दिख भी नहीं रहा था रॉ के कारण गाइस, क्योंकि मैंने रॉ में खींचा है, वो दिखने लगा है। अब चलिए गाइस इसमें हम लोग ट्यून इमेज में देखते हैं कि क्या हमें एक्सपोजर का ऑप्शन मिलता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ब्राइटनेस मिलता है, कॉन्ट्रास्ट मिलता है, बट एक्सपोजर कहीं भी नहीं मिलता है, क्योंकि गाइस फोटो खींचने के बाद आप एक्सपोजर बढ़ा ही नहीं सकते अगर आप JPEG में लिए हैं, बट रॉ में आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। बट एटलीस्ट इसमें ब्राइटनेस मिल जाता है, और ब्राइटनेस बढ़ा के हम लोग देखते हैं।
तो गाइज आप देख रहे हैं मेरा जो ब्राइटनेस है वो 100% बढ़ाने के बावजूद भी उतना ज्यादा लाइट नहीं हो पाया जितना इसमें हमारा जो है एक्सपोजर बढ़ाने के बाद हुआ, क्योंकि इसमें हमारा लिमिटेड नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन है और इसमें हमारा गाइज टोटल इन्फॉर्मेशन है जो कि कैमरा सेंसर से डायरेक्टली कैप्चर किया गया है। चलिए इसके एक्सपोजर को भी घटाते हैं और घटा करके अब इसमें हम लोग जो है ब्राइटनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट देख रहे हैं कि इसमें आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता ही नहीं है बिकॉज गाइज क्योंकि ये रॉ इमेज है इसलिए आपको इसमें स्पेशल फीचर्स मिलता है जिससे और भी ज्यादा अच्छी तरीके से एडिटिंग होगी। तो ब्राइटनेस की जगह आपको यहाँ पे एक्सपोजर मिल जाता है, उसके बाद आपको गाइज यहाँ पे हाइलाइट्स मिल जाता है जिससे बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इसमें जो है ना गाइज हर चीज आप वो कंट्रोल कर सकते हैं फोटो खींचने के बाद भी जो आप फोटो खींचने से पहले कंट्रोल करते हैं। आप चाहे तो डिटेल्स बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं कैसा होना चाहिए, आप चाहे तो गाइज टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हैं कि किस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए, और गाइज आप इसे एक आर्टिस्टिक फोटो बना सकते हैं, आप चाहे तो इसे टिंट कर सकते हैं जिस तरह की मर्जी गाइज उस तरह की यहाँ पे जो है आप इस इमेज को टिंट कर सकते हैं, और टिंट करने के बाद गाइज कुछ ऐसा इमेज जो है हम बना सकते हैं। बट यही अगर हम लोग करने की कोशिश करेंगे ना गाइज इसमें, मान लीजिए इसमें मैं यहाँ पे सैचुरेशन को बढ़ाऊँ, इसमें गाइज मैं यहाँ पे एम्बियंस को बढ़ाऊँ, इसमें गाइज मैं यहाँ पे हाइलाइट्स को बढ़ाऊँ, कुछ भी बढ़ा लो गाइज, तो ये इतना ज़्यादा ब्राइट पिक्चर हो ही नहीं पाएगा जितना ज़्यादा गाइज हमारे पास अभी अवेलेबल है। और दोनों के बीच में आपको एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा, इसमें आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है डिटेल्स नज़र आ रहे होंगे बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो है लॉस्ट नज़र आ रहे होंगे। दोनों को मैं आपको यहाँ पे उठा करके कंपेयर करके दिखाता हूँ गाइज हर चीज बढ़ाने के बाद, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है फर्क पड़ रहा है। तो जी हाँ गाइज रॉ इमेज यही है, रॉ इमेज से यही फायदा है कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिल जाती है बिकॉज 32 MB का इमेज है और इसमें काफी सारे इंफॉर्मेशन भरे हुए हैं। उसके बाद गाइज आप इस यहाँ पे आपको प्लस का बटन मिलता है जिससे आप वाइट बैलेंस, कलर बैलेंस कुछ भी कर सकते हैं गाइज, आप फ्लैश ऑन फ्लैश ऑफ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और कलर पिकर का भी ऑप्शन मिलता है, आपको ये कलर पिक कर सकते हैं कि आपको किस तरह का टोन चाहिए, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हालांकि अगर आप इससे भी ज़्यादा एडवांस टूल यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी जो है आपको एडिटिंग मिलेगी, जैसे कि गाइज आपको एडोबी लाइटरूम मिल जाता है जो कि मुझे उतना नहीं आता, जो कि मैं पहले आपको बता दूँ। अब गाइज हमने यहाँ पर एडिटिंग कर लिया, अब जैसे ही यहाँ पर टिक करेंगे तो अब फाइनली गाइज हमारा जो रॉ इमेज है वो जेपेग में कन्वर्ट हो गया। तो जो ये ऑलरेडी जेपेग में कन्वर्ट था अब हमने रॉ में एडिटिंग करने के बाद जेपेग में कन्वर्ट किया है, अब जाकर के हमारे पास वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी गाइज, ट्यून इमेज की फीचर, ब्राइटनेस बढ़ाने की फीचर, और अब अगर हम ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा वो आप खुद जो है यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर मैं इसका हर चीज़ बढ़ाऊँ तो गाइज इससे भी ज़्यादा जो है मतलब ब्राइट पिक्चर हो जाएगी। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप अपने कैमरा से मैनुअल फोटोग्राफी करते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कैमरा में सेटिंग देता है कि भैया आप इसमें सेट कर सको क्या क्या चीज़ें, तो आप इसमें कलर कैसा रखना है वो सेट करो, आपको एक्सपोजर टाइम कितना रखना है वो सेट करो, एक्सपोजर की वैल्यू कितनी रखनी है वो सेट करो, वाइट बैलेंस कितना रखना है वो सेट करो, ये सब आप कैमरा के मैनुअल कैमरा में सेट करते हो। लेकिन रॉ से फोटो खींचने का यही फायदा है कि आपने बस नॉर्मली जिस तरह से भी फोटो कैप्चर कर लिया और जो कैमरा का वैल्यू है वो बाद में फोटो एडिटिंग में आपने जो है उसे प्रोसेस कर दिया। तो इसलिए गाइज यहाँ पे आप देखें कि मैंने पोको X2 से जब एक्सपोजर को बढ़ाया तो जो मेरी बिल्कुल डार्क फोटो थी वो बिल्कुल गाइज डिटेल्स के साथ शर्ट का कलर दिखने लगा, सामने का हरा भरा पौधा दिखने लगा, बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा। सिंपल वर्ड्स में यही कहना चाहूंगा गाइज कि जब आप अपने कैमरा से फोटो खींचते हो तो जो आपके सामने रिजल्ट आता है वह एक एडिटेड फोटो आता है, लेकिन जब आप एक रॉ फोटो खींचते हो तो जो आपके पास रिजल्ट आता है वह एक नॉन एडिटेड और फुल फोटो आता है जिसको आप अपने मन मुताबिक एडिट करके बहुत ही ज़बरदस्त बना सकते हो। तो ये फायदा है गाइज रॉ का, और रॉ में मैं अभी सीख रहा हूँ गाइज, मैं सच्ची बताऊँ तो अभी मेरे पास उतना नॉलेज नहीं कि मैं रॉ में ज़बरदस्त कर सकूँ, बट काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि मेरी मदद कर रहे हैं कि मैं मुझे बताएं कि रॉ कैसे काम करता है, और एंड आशा है कि आगे आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छी ट्यूटोरियल्स लेकर के आऊँ। लेकिन आज का हमारे वीडियो देने शुक्रिया, अगर मैं वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कमेंट कीजिए, मैं रोजाना आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद।